न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैजान अशरफ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में, और ग्वालपोखर के बीचों बीच से गुजरने वाला ये जो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जहां पर किसान आंदोलन की एक झलक दिख रही है, जहां आज पूरे देश भर में किसान आंदोलन को लेकर पूरे बंद का आह्वान किया गया है, उसकी एक झलक उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपाड़ा में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं काफी किसान काफी संख्या में यहाँ आए हुए हैं, और नेशनल जो हाईवे है राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को एक हिस्से से दूसरे हिस्से को कनेक्ट करती है, वहां पर जो है काफी लोग जो है किसान सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, और इस बंद के समर्थन में काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस साइड में, अगर हम आपको दूसरी साइड का वो नजारा दिखाने की कोशिश करें जहाँ पे जो यातायात बिल्कुल बाधित हो चुकी है, ट्रक बस सभी यहाँ पे रोक कर प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर हम दाएं ओर की तरफ हमारे सहयोगी हम दिखाने की कोशिश करें, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त पांजीपाड़ा के नेशनल हाईवे से, जहां पर जो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट की जो बस है वो खड़ी है, उसके पीछे जो ट्रक है, यानी साफ तौर पर हम कहें जो यातायात है वो भारत का एक हिस्सा का यातायात यहाँ पे बिल्कुल बंद हो चुका है। आप वो तस्वीरें आप हमारे न्यूज टुडे इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम यहाँ के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे एक साइड में आप देख सकते हैं ये जो बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की जो बस है उसके पीछे ट्रक है वो पूरी बाधित हो चुकी है, एक तरह यातायात बिल्कुल बंद है। कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन है, पूरे देश भर का जो आंदोलन का जो आह्वान किया गया था आज की तारीख में, वो यहाँ पे बिल्कुल सफल होता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान यहाँ पे रोड पर खड़े हैं, और हम उन किसानों से बात करेंगे, लेकिन आप दर्शकों को हम बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो है हम सीधे तौर पर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको बता दें हम पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपाड़ा में मौजूद हैं, जहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ किसानों का एक काफी मजमा जमा है, अपने बैनर अपने पोस्टर लेकर वो यहाँ पे बिल्कुल प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दर्शकों को हम बता दें ये आंदोलन सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 2 साल से अगर हम कहें वो चल रहा है, जहाँ दिल्ली में इस आंदोलन की गोज आज आपको सुनाई देती होगी, लेकिन अब ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली और यूपी और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में व्यापी रूप ले चुका है। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से अध्यादेश लाकर किसानों के लिए जो 3 कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था उसके विरोध में पिछले पिछले साल भर से 2 साल से ये आंदोलन चल रहा है, और आज पूरे देश भर में उस आंदोलन के पक्ष में बंद का आह्वान किया गया है, और उसी की सीधी तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। सभी किसान भाइयों से गुजारिश है कि शांतिपूर्ण तरीका से रोड से बैठ कर विरोध प्रदर्शन हंगामा ना करें, प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। सभी किसान भाइयों से आप देख सकते हैं इस वक्त पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, जहाँ एक तरह से हम कहें कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसको जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको एक तरह से कहें। आप देख सकते हैं किसान के जो समर्थन में जो नेतागण है जो लीडरगण है वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे सीधे तौर पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए ये जो आंदोलन है क्या मकसद है, क्यों आज रोड पर आए हैं यहाँ पे? आज यहाँ सीधा तौर पे एक ही आवाज हम लोग कर रहे हैं कि मोदी जो किसान के लिए 3 काला कानून लेके आए हैं उनको वापस ले ले, वो ज्यादा किसान का परीक्षा ना ले, किसान के साथ ज्यादा वो टक्कर ना ले, ना लड़े। ये किसान के अंदर वो ताकत है, ये धूप में खड़ा रहने का ताकत है। इस धूप में हम लोग को एक बंजर जमीन को चास के उस बंजर जमीन में हम लोग बीज दे के पौधा उगाल के फसल करते हैं, वो ताकत हमारे अंदर है। तो ये मोदी हम लोग का इम्तिहान मत ले, हम लोगों को जितना टूटने का कोशिश करेगा तोड़ने का कोशिश हम लोग जोड़ने का कोशिश करेंगे। ये 3रे बार मोदी के ये है सूचना किया जा रहा है,
मोदी को हम लोग तीसरा बार ये जवाब दे रहे हैं कि ये आंदोलन सारा भारत में हो रहा है, आज पूरे भारत में ये किसान आज बंद का ऐलान किया, हम लोग वो बंद सफल कर रहे हैं आज। सर आप हमें ये बताइए कि ये जो आंदोलन है ये कब तक चलेगा, आपका आज कितने दिन? ये हम लोग का आंदोलन अभी चलेगा, जारी रहेगा, आज हम लोग का 4 बजे तक ये आंदोलन चलेगा। और हम लोगों को अगर कोई आश्वासन देगा, कोई मोदी का चेला चमचा और कोई मोदी का ये होगा, और सरकार हमको कोई मैसेज देना चाहेगा कि पांजीवा से आप लोग आज रास्ता को जाम करना छोड़ दीजिए, हम लोग जो आपके ये कानून को रद्द कर देंगे। क्या है हम लोग का डिमांड है, हम लोग का ये पांजीपरा में इतना बड़ा मार्केट है, एक MSP का कोई बाजार नहीं है, हमारा हर फसल का हम लोग MSP नहीं पा रहे हैं, और ये कानून जो मोदी लेके आया है ये हम लोग को क्या साबित करना चाहता है? उस कानून को रद्द करना है, जब तक रद्द नहीं करता है इस तरह से आंदोलन हम लोग पूरे देश में खड़ा करेंगे। ये जो संगठन है, ये जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है राकेश टिकैत जी का, उसी का ये संगठन, उसी के फेवर में क्या? देखिए हाँ, हिंदुस्तान में जितने किसान संगठन है सब किसान संगठन एक ही साथ में, हम लोग हिंदुस्तान के सारे किसान एक साथ है, सारे मजदूर एक साथ है। ये जो बंद है इसमें क्या यातायात भी बंद रहेगा, आवाजाही बंद? हाँ, नेशनल रोड तो यातायात बंद रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी सुविधाएं खुला रहेगा, एम्बुलेंस हो, CRP जवान अगर कहीं जाए, हमारा देश का कहीं अगर संकट हो उन लोग के लिए खुला है, डॉक्टर के लिए खुला है, बाकी सबको लिए मोदी का जो व्यवसाय वाणिज्य करता है उसके लिए बंद है, जो मोदी के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम शंभूलाल रॉय है। तो सीधे तौर पर हम बात कर रहे थे जो किसान नेता, अगर हम कहें इस ग्वालपोखर, उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर से जो किसान नेता है, तो सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, शंभूलाल जी थे सीधे तौर पर हमसे बातचीत कर रहे थे, काफी विरोध दर्ज करा रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर 3 कानून देश में लाया जो किसान के पक्ष में नहीं बताया जा रहा है, उसको लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, और आज ये आंदोलन देश व्यापी हो चुका है, पूरे देश भर में ये आंदोलन आ चुका है, और ये बंद का जो ऐलान किया गया उसकी सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं। हम सीधे तौर पर बात कर रहे थे यहाँ के जो किसान नेता है उनसे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मरकजी हुकूमत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून लाई उसको वापस करें, नहीं तो हम लोग ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान वो बर्दाश्त कर सकते हैं, किसान के अंदर वो क्षमता है, हम धूप में खड़े होकर वो तमाम चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ये आंदोलन चलाते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं इस वक्त, ये जगह भारत के एक हिस्से को कनेक्ट करता है, ये एक तरह से हम कहें ओनली वन रोडवे है जिससे एक हिस्से से दूसरे हिस्से भारत का कनेक्ट होता है, और ये पूरी यातायात आप देख सकते हैं, हमारे जो सहयोगी हम वो तस्वीरें दिखाने, एक तरफ रोड सन्नाटा है तो दूसरी तरफ पूरी यातायात बंद है, बस ट्रक कहें चाहे वो मुसाफिरों की जो गाड़ी है वो 4-व्हीलर सभी को बंद किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अधिकारी लगता है आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से किस तरीके से लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किसानों के हाथों में अपने संगठनों के साथ साथ देश का तिरंगा झंडा भी लेकर वो इस रोड पर आ गए हैं, आप वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त पांजीपाड़ा से सीधी लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जो आंदोलन है उसको सफल बनाने के लिए किसान सड़क पर उतर गए हैं, वो तस्वीरें आप सीधे तौर पर आप देख सकते हैं न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर। सभी मेरे साथ रोड में आ जाइए, क्या हुआ है चारों तरफ
मेरे किसान भाई शांतिपूर्वक से काम कराए, शांतिपूर्वक ट्रेस पर निकल करना है हम लोगों को, अल्लाह भुल्ला नहीं करना है। लेकिन अगर हम लोगों के ऊपर गाड़ी चल जाएगा तो वो मंजूर है, लेकिन ये दिन की जो काला कानून हम लोगों के ऊपर थोपा जाए वो मंजूरी नहीं है। ये अगर ट्रैक्टर ये आके अगर हम लोग के ऊपर चल जाएगा वो मंजूर है हम लोग, लेकिन कानून हम लोगों को मंजूरी नहीं है। तो आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपाड़ा से, जहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को पूरी तरह बाधित कर चुका है, किया जा चुका है, जो किसान आंदोलन है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि किस तरह से जो बंद किया गया है उस बंद को एक तरह से सफल माना जा रहा है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं तो ये जो आंदोलन है बिल्कुल एक तरह से यहाँ पे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम मार्केट की तरफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे, मार्केट की तकरीबन कुछ दुकानें भी हमें बंद नजर आ रही हैं, लेकिन क्या इन लोगों का प्लानिंग है? आप देख सकते हैं इस वक्त जो किसान किस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से आज पूरे देश भर में आंदोलन बंद का जो एक ऐलान किया गया है उसी के मद्देनजर यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में किसान जो मोर्चा है उसका झंडा लेकर। आप देख सकते हैं वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करें, हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोड को बाधित कर दिया गया है। और किसान इस वक्त देख सकते हैं, हम बात करेंगे उन नौजवान किसानों से, आप लोग इस तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिए, क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं? वजह यह है कि हम लोग आज हड़ताल पे उतरे हैं किसान की वजह से। हमारे यहाँ दिल्ली में जो तमाम 10,000-5,000 आदमी आज 9 महीना से डटे हुए हैं, उनके लिए हम लोग 2 मिनट व्रत रखें उनके शांति के लिए, और हम ये नरेंद्र मोदी तक ये पहुंचाना चाहते हैं हमारे किसान की मांगे पूरी करें वो जल्द से। मांगे आप लोगों? हम लोगों का मांग ये है कि हमारे जो फसल का दाम है वो बढ़ाए, सही रेट पर दें, और हमारे जो पांजीपाड़ा में जो फसल अभी धान होने वाला है उनका हमको सही रेट मिले। उससे पहले हम लोग पटुआ बिक्री किए उनका दाम नहीं मिला हम लोगों को, 1 महीना बाद हम लोगों का धान निकलने वाला है, हम लोगों का धान निकलने वाला है 1 महीना में, उसके बाद उस धान का हम लोगों को सही कीमत हम लोगों को मिलना चाहिए, और यही हम लोग चाहते हैं, इसीलिए आज धरना लगाए हुए हैं इस पांजीपाड़ा रोड में, और हम 4 बजे तक हटने वाले नहीं हैं, हम धूप से हटने वाले नहीं, हम किसान का बच्चा है, हम किसान फल उगाने वाले हम बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हमारे परदादा दादा सब किसानगिरी किए हैं, हम लोग भी करते हैं और करते रहेंगे, हमारी मांगे को पूरी करें, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या नाम आप? मेरा नाम है मोहम्मद परवेज आलम। तो सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एक यंग किसान हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आज पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है उसी पर अमल करते हुए हम लोग 4 बजे तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे, और उनका साफ तौर पर डिमांड है कि जब तक मोदी गवर्नमेंट मोदी सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। आप दर्शकों को हम बता दें, आपको मालूम होगा कि पिछले कई महीनों से दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान बेपावी रूप से आंदोलन कर रहे हैं, और आज उस आंदोलन का एक झलक पूरे भारत के उन अलग अलग हिस्सों से नजर आ रहा है, और एक झलक उत्तर दिनाजपुर जिले के
पांजीपाड़ा से आपको नजर आ रहा है, जहां पर किसान रोड पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बंद का समर्थन कर रहे हैं। आपको हम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से यहां पर यातायात को रोक दिया गया है, लोगों को क्या परेशानी हो सकती है, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देख ही सकते हैं इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों को रोक कर यातायात बाधित किया है। आप वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त जो कुछ मुसाफिर हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, अपने गाड़ियों को खड़े किए हुए हैं, क्योंकि बंद का जो ऐलान किया गया है उस पर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ जाना है, क्यों खड़े हैं सर यहाँ पे आप लोग? गाड़ी अच्छी बात पेचोने क्या क्या कौन सी गाड़ी है? एनबीएसटीसी। एनबीएसटीसी कहाँ जाना है सर आपको? गंगारामपुर। कहाँ से आ रहे हैं सर? जलपाईगुड़ी। तो कोई दिक्कत हो रही है सर, खड़े हैं, क्यों खड़े हैं सर? दिक्कत होगा क्यों, मैंने क्या क्यों खड़े गए? रोक दिया गया आपको? मालूम नहीं। क्या नाम है सर आपका? ओमियो। सीधे तौर पर एक बस के स्टाफ थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। आप देख ही सकते हैं इस वक्त जो है बसें यहाँ खड़ी हैं, ट्रकें खड़ी हैं, लोगों को परेशानी होती होगी, आप वो देख ही सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पर किसान चढ़कर इस बंद का समर्थन में जमा हो रहे हैं इस जगह पर। आप साफ तौर पर वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम आपको बता रहे थे कि जो मुसाफिर हैं, जो सफ़र कर रहे हैं बसों से, अलग अलग गाड़ियों से, ट्रक हैं, उनको क्या दिक्कतें होती होंगी वो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बंद का ऐलान किया गया है उस वो एक तरह से सफल होते हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो गाड़ियों को यहाँ पे बिल्कुल रोक दिया गया है, लोग आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को रोका जा रहा है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो थ्री व्हीलर हो, और सबों को बिल्कुल रोका जा रहा है, किसी भी गाड़ी को यातायात के लिए नहीं दिया जा रहा है। और ये गाड़ी है, इसमें पेशेंट है, तो इस गाड़ी को जाने दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस है, जो पेशेंट की जो गाड़ियां हैं उसे जाने। आप इस गाड़ी में पेशेंट है आप देख सकते हैं, इसीलिए इस गाड़ी को जाने दिया जा रहा है। तो आप वो तस्वीरें न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं।
सीधी लाइव हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपाड़ा से, जहां पे किसान आंदोलन के जो तरफ से बंद का जो आह्वान किया गया है उसका पूरा समर्थन किया गया। आप देख सकते हैं यहां पे सेंट्रल फोर्स, अगर हम कहें बीएसएफ की गाड़ियों को जाने की परमिशन है दी जा रही है। आप वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अनुशासन के तौर पर जो आंदोलन के जो नियम है उसको पालन करते हुए यह आंदोलन जारी रखा गया है। एमरजेंसी गाड़ियां, एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को जो परमिशन है उसके तहत यहां पे आप देख सकते हैं आर्मी की गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही है। वो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इस यातायात में फंसे जो मुसाफिर हैं उनसे बात करने की कि आखिर इस आंदोलन में जो उन लोगों के यातायात बाधित हुआ है उनसे उनको क्या परेशानी है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अगर आप हमें देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर एक जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस है वो यहाँ खड़ी है, इसमें काफ़ी मुसाफिर हैं। जो मुसाफिर हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग इस जो आंदोलन किसान आंदोलन के थे ठीक है, कुछ मुसाफिर हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इस्लामपुर। इस्लामपुर जा रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन है इसका आप लोग समर्थन करते हैं? हाँ समर्थन करते हैं। तो अभी आप लोग फंस गए हैं, कैसा क्या कहेंगे? दिक्कत तो हो रही होगी। समर्थन कर रहे हैं? हाँ समर्थन कर रहे हैं। किसान का समर्थन कर? हाँ किसान का समर्थन। क्या नाम है सर आपका? राजीबुल हक। हम और भी बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। कहाँ जा रहे हैं? इस्लामपुर। इस्लामपुर जा रहे हैं। जो गाड़ी रोक दी है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, तो किसान का आप समर्थन कर रहे हैं क्या? जी हाँ समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं जी। कोई दिक्कत है अभी आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप क्या करते हैं? किसान है क्या? किसान है। क्या नाम हुआ? मुश्ताक आलम। हम कुछ ट्रक के ड्राइवरों से भी बात करते हैं। इस वक्त है हमारे साथ। कहाँ जा रहे हैं भैया? भूटान जा रहे हैं भाई। कहाँ से आ रहे हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर से आ रहे हैं। तो ये जो अभी आप रोके हुए हैं, क्यों? किसान आंदोलन है, इसका समर्थन कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं ना समर्थन। समर्थन कर रहे हैं? कर रहे हैं। उनके समर्थन में है आप लोग किसान? हाँ है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? तौसीफ है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त कई लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग राज्य के देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ कुछ ड्राइवर हैं, स्टाफ है गाड़ी के, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? उत्तराखंड से। उत्तराखंड। उत्तराखंड। कहाँ जा रहे हैं? गुवाहाटी। गुवाहाटी जा रहे हैं। तो ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसका समर्थन में है क्या आप? आए समर्थन है। हाँ। क्या नाम है आपका? ज्योतिष कुमार। चलिए, कई लोग हैं हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि लोग भी इस जाम में फंसे हुए हैं, इस आंदोलन की वजह से जो यातायात बाधित हुआ है उनमें फंसे हुए जरूर हैं, लेकिन वो भी किसानों के समर्थन में है। साफ तौर पर यह साफ झलक रहा है कि चाहे किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो वो शख्स वो इस वक्त क्या बात है, क्यों यहाँ जमा हुए हैं आज? हम लोग किसान आंदोलन में आए हैं यहाँ। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग जो है पूरा, हम लोग का जब तक पूरा नहीं होगा, सब जगह हर जगह सब झमेला लगाता है मोदी सरकार, इसको जब तक झमेला नहीं मिटेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तब तक नहीं छोड़िएगा? नहीं। अच्छा। 4 बजे तक हम लोग का ये काम है, 4 बजे तक रहेंगे। 4 बजे तक रहेगा? धूप में भी रहिएगा? हाँ धूप में रहेंगे हम लोग। उसके बाद अगर नहीं मानेगा तो हम लोग 3 महीने तक रहेंगे, तब रहेंगे यहाँ। अच्छा, 3 महीने तक भी रहिएगा? हाँ रहेंगे यहाँ। और जिस तरह से दिल्ली में ऐसे क्या वैसे रहेंगे हम लोग भी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अलाउद्दीन। चलिए, कई किसान हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं। हाँ बोलिए। यहाँ पे आप लोग रोड जाम क्यों कर दिए आज भैया? ये मोदी सरकार का काला आइन के लिए जाम किए हैं। अच्छा, ये जो किसान पर जो जुल्म किया है, किसान पर जो 3 तरह कानून लागू किया है, इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज राकेश टिकैत हरियाणा पंजाब का किसान पूरा डट के है, पंजाब दिल्ली में, इसी का कारण से हम लोग भी जागे हुए हैं।
या वो लोग जो ये आज आंदोलन किया है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी किया है, गरीब मजदूर के लिए भी किया है। आज वो लोग खेती, किसान खेती छोड़ दे तो हम गरीब लोग तो ऐसे मर जाएंगे, बड़े लोग उन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े लोग जिम्मेदार लोग हैं। फर्क तो पड़ेगा, आप किसान जब तक अनाज नहीं होगा, किसान लोग अगर हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे तो हम गरीबों को भी फर्क पड़ेगा, ये बड़े लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आज हम लोग रोड में उतरे हैं, ये नरेंद्र मोदी का सरकार का खिलाफ के वजह से ये काला कानून जो थोपा है इसका विरोध में हम लोग उतरे हैं। आज देखते हैं कितना दिन तक, कितना टाइम तक हम लोग सफल कर पाते हैं इसको। इंशाल्लाह राकेश टिकट जितना दिन तक रहेगा रहे हुए हम लोग उतना दिन तक रहेंगे। अच्छा, इसका मतलब जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है राकेश टिकट चला रहे हैं उसके समर्थन में? जी जी जी, वो तो काफी दिनों से चला रहे हैं, हम लोग भी काफी दिनों से अब रोड में उतरने वाले हैं, हम लोग भी धरना प्रदर्शन में रहेंगे। अच्छा, उनके फेवर में अब आप लोग भी? जी जी, क्योंकि वो अपने लिए ये धरना प्रदर्शन करके नहीं बैठे हुए हैं, हम लोगों के लिए भी है, किसानों के लिए है। क्या नाम हो आपका? अब्दुल करीम नाम है। चलिए, ये अब्दुल करीम जी थे, सीधे तौर पर हमसे बात करते हैं। जो दिल्ली में जो राकेश टिकैत जी किसान आंदोलन के नेतृत्व कर रहे हैं उसके समर्थन में, अगर हम कहें वो आंदोलन चला रहे हैं उसी के समर्थन में यहाँ पे भी किसान जमा हो गए हैं। वो तस्वीर आप सीधे तौर पर न्यूज इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कुछ आर्मी की गाड़ियां हैं, उनको जाने की इजाजत दी जा रही है। आप इस वक्त हम सीधे तौर पर लाइव तस्वीरें हम अब दिखाने की किसान की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन आप देख सकते हैं, इस वक्त राजनीतिक का एक गाड़ी है, उसमें गाड़ी को रोका गया है, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। और किसान तीन रात मेहनत नहीं बन गए, अरे किसान तीन रात मेहनत करते हैं, उनकी मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा है। किसान अपने फसलों का पैसा नहीं है, धान कर रहे हैं, धान कर रहे हैं, लेकिन सबके मेहनत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इस गाड़ी को, ये सफारी है, उसको रोका जा रहा है और आर्मी की गाड़ी को अब जाने की परमिशन दी जा रही है। इस वक्त ये बीजेपी का जो फ्लैग है वो झंडा आप देख सकते हैं इस गाड़ी में लगा हुआ है, इस गाड़ी को बिल्कुल रोका जाए। यानी अगर हम कहें कि जिस पार्टी के सरकार के खिलाफ आज आंदोलन हो रहा है उसी पार्टी के गाड़ी को आज यहाँ पे रोक दिया गया है, वो तस्वीर है आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है इस गाड़ी में कोई पॉलिटिकल लीडर होंगे, पार्टी का झंडा, बीजेपी के पार्टी का झंडा लगा हुआ है, उसको जाने की इजाजत नहीं है, मगर आर्मी की गाड़ी को जाने की इजाजत दी गई है। इस वक्त और भी कुछ किसान हैं, हम उस चीज को बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बताइए भैया, आज आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आज आंदोलन कर रहे हैं, आज 10 महीना से किसान रोड में पड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी की कोई पकड़ नहीं है, दो आदमी का भिखारी है, हम दो नरेंद्र मोदी। तो ये बात हमसे नहीं पूछिए, नरेंद्र मोदी से पूछिए भाई, जो आज वो जो नोटबंदी किए, कितने आदमी लाइन में लग के मर गए हैं, किसी के लिए अफसोस जचाया है क्या? दो रुपया का कोई सब्सिडी किया? अगर हम किसान के लिए रोड में अगर अवरोध किया है तो क्या अपराधी किया है? हम किसान के हक के लिए कर रहे हैं। आप लोग क्या मांगे? हमारे मांग यही है, जो नरेंद्र मोदी जो काला कानून तुम किसान का जो लिया है वो वापस ले, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तब तक ये आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा, 2024 तक नरेंद्र मोदी को जिताए थे और गद्दी से उतारेंगे, फिर घर लौटेंगे। चलिए, तो क्या नाम है? मेरा नाम शकील अहमद। साफ तौर पर किसानों के समर्थन में यहाँ के जो किसान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आंदोलन है वो काला कानून है, उसके विरुद्ध में हम लोग उतरे हैं। वो जो कानून जो लाया गया है किसानों के लिए, किसानों का कहना है कि वो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे खिलाफ में वो कानून लाया गया है ताकि किसानों को नुकसान हो, लेकिन सरकार का दावा है कि हम किसानों के फेवर में वो कानून ला रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन आहिस्ता आहिस्ते बड़े पैमाने पर होते जा रहा है। आप इस वक्त हमारे साथ कई किसान बात कर रहे थे, हम फिर आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो तस्वीरें देख सकते हैं। साफ तौर पर यहाँ पे जो किसान है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, यातायात को पूरी तरह बाधित कर दिया गया है। सभी लोग, मेरा बंधु लोग, आप लोग पुलिस वाले लोग हमें लोग का सहयोग में है, आप लोग इस तरह से बात ना करें, ठीक है? हम लोग के इस आंदोलन में हर डिपार्टमेंट के लोग साथ में है, आप लोग शांति बना के रहिए, ठीक है?
इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों का ये अवरोध खत्म करेंगे, लेकिन हम लोग उससे पहले शांति बनाइए, ठीक है, शांति बनाइए। और हम लोग आप देख सकते हैं एक तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे रोड को बाधित किया जा चुका है। ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर को बिल्कुल NH के उधर खड़ा कर दिया गया है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आप इस वक्त देख रहे थे सीधे तौर पर उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपाड़ा से वो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे थे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफी संख्या में काफी देर तक इस चिलचिलाती धूप में किसान रोड पर आ चुके हैं। और किसान आंदोलन जो पूरे भारत में जो आज बंद का ऐलान किया गया है उसके समर्थन में ये किसान रोड पर सुबह से ही खड़े हैं और इनका आंदोलन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक काला कानून, जिसे वो काला कानून कहते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने किसानों के फेवर में वो कानून लाया है, ये गवर्नमेंट का कहना है, लेकिन किसान कहते हैं ये हमारे लिए काला कानून है, जब तक ये वापस नहीं होता है हम अपना आंदोलन जारी रहेंगे। इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से सुब्रतो के साथ मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।